में की खिचड़ी बनाने के लिए हम दो मीडियम साइज के आलू लेंगे, एक मिर्ची लेंगे, तीन टमाटर लेंगे और एक नींबू लेंगे। ये सारी सब्जियां और मसाले जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस खिचड़ी के अंदर, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। थोड़ा सा जीरा लेंगे, मिर्ची को छोटा बारीक काट लेंगे, आलू को साइज अनुसार जैसा आपको बड़ा छोटा अच्छा लगे काट लें, टमाटर छोटे साइज में काट लेंगे, सामा लेंगे आधी कटोरी, ये हम दो लोगों के लिए बना रहे हैं, मूंगफली लेंगे आधी कटोरी, बाकी नमक मिर्ची हल्दी पुदीना नींबू मिर्ची 2 चम्मच ले लेंगे, 1 चम्मच नमक ले लेंगे, आधा चम्मच हल्दी पुदीना सूखा हुआ और नींबू का रस निकाल लेंगे। एक बाउल में गर्म पानी कर लेंगे, गैस पे 2 चम्मच ऑयल चढ़ा देंगे, सामने को अच्छे से वॉश कर लेंगे। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक सामा वॉश हो जाएगा। उसके बाद हम ऑयल में जीरा मूंगफली डाल के अच्छे से भून लेंगे, हल्की आंच पे भूनेंगे ताकि मूंगफली जले नहीं और अंदर तक पक जाए और जीरा भी जले नहीं, और गैस को हम एक बार थोड़ा सा तेज करके हल्का सा हिलाते हुए भून लेंगे इसको। जब तक ये रेड नहीं हो जाए, हल्का सा रेड हो गया है हमारी मूंगफली, अब हम इसमें मिर्ची डालेंगे, मिर्ची को हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे, आलू को हल्का सा हिला लेंगे ताकि इस पे सब पे ऑयल लग जाए। इसके बाद आलू हल्के से हिलाने के बाद हम इसमें सांभर ऐड करेंगे, क्योंकि सामा हमने धोया है तो इसमें हल्का सा मॉइस्चर होता है, तो हल्का सा इसको भी हिला लेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे पकाएंगे सामे को। सामे को अगर ज्यादा पकाएंगे तो उसमें से सामे की स्मेल आने लगेगी खिचड़ी में हमारे, तो हम हल्का सा बिल्कुल हल्का सा सामे को हिला के उसमें पानी ऐड कर देंगे। गैस को धीमा करके उसके अंदर हल्का सा नमक ऐड करके उसके बाद हल्का सा हिला के उसके बाद हम पानी ऐड करेंगे इसमें। गैस को मीडियम आंच पे ही रखेंगे, लो फ्लेम पे रखेंगे। हल्का सा हिलाने के बाद इसमें हमने मिर्ची ऐड की, फिर हल्दी ऐड की, 2 चम्मच मिर्ची ली हमने, आधा चम्मच हल्दी ली। मिर्ची आप अपनी स्वाद अनुसार ले सकते हैं, ये कश्मीरी मिर्च थी इसलिए हमने इसमें 2 चम्मच डाली है, अगर आपकी मिर्ची तीखी है तो आप उसको 1 चम्मच या आधा चम्मच भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे, इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे क्योंकि पानी हमारा ऑलरेडी गर्म किया हुआ था तो बॉयल जल्दी हो जाएगा, और टमाटर डालने के बाद हल्का सा हिला लेंगे। फिर हम इसमें इसी वक्त नींबू का रस भी डाल देंगे ताकि वो पूरे में अच्छे से मिल जाए। देख पा रहे हैं खिचड़ी कितनी अच्छी लग रही है, हल्का कलर भी आ गया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि पानी के साथ अच्छे से हो जाए। 5-7 मिनट के बाद हम इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे, वैसे हर 1 मिनट में 2 मिनट में हल्का हल्का हिलाते रहेंगे हम। 5-7 मिनट बाद ये कुछ इस तरह दिखने लगेगी।
हिलाने का रीजन ये है, बीच बीच में अगर नहीं हिलाएंगे तो नीचे चिपक जाती है, तो हम थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे जिससे ये चिपके नहीं नीचे। और देख रहे पा रहे हैं हमारी खिचड़ी लगभग तैयार हो चुकी है। अब गार्निशिंग के लिए जो हमने सूखा पुदीने के पत्ते थे हमारे पास, उनको हल्का सा मैश करके इसके ऊपर डाल देंगे। पुदीना डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि पुदीने से इसकी एक अच्छी स्मेल हो जाती है और उससे खिचड़ी के स्वाद में भी बढ़ोतरी हो जाती है। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। खिचड़ी हमारी तैयार हो चुकी है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। हल्का सा पानी रखेंगे इसके अंदर हम, क्योंकि पूरी सूखी खिचड़ी अच्छी नहीं लगती सामने की। इसमें जो हमने नमक ऐड किया था वो हमने सेंधा नमक ऐड किया था, क्योंकि ये व्रत के लिए बना रहे हैं तो उसमें सारे वैसे ही प्रोडक्ट यूज करेंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है खिचड़ी। ओके, सब्सक्राइब करें।